भारत का संविधान भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 लोकसभा में क अनुसूचित जातियों के लिए ख असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए और ग असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। दो खंड एक के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है जनसंख्या के अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। तीन खंड दो में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस राज्य को आवंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उक्त स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है। स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिनके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 331 अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति को यह राय है कि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। अनुच्छेद 332 एक राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 332 एक प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए और असम के स्वशासित जिलों के अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। दो असम राज्य की विधानसभा में स्वशासित जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे। तीन खंड एक के अधीन किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है। तीन का खंड तीन में किसी बात के होते हुए भी सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के आधार पर
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्य की विधानसभाओं में स्थानों की संख्या के अनुच्छेद 170 के अधीन पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक जो स्थान ऐसे किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे क यदि संविधान 57वां संशोधन अधिनियम 1987 में प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसे राज्य की विधानसभा में जिसे इस खंड में उसके पश्चात विद्यमान विधानसभा कहा गया है सभी स्थान सुनिश्चित अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा धारित हैं तो एक स्थान को छोड़कर सभी स्थान होंगे और खा किसी अन्य दशा में उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या का अनुपात स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की उक्त तारीख को यथा विद्यमान संख्या का अनुपात विद्यमान विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या से है। तीन खा खंड तीन में किसी बात के होते हुए भी सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के आधार पर त्रिपुरा राज्य की विधानसभा में स्थानों की संख्या के अनुच्छेद 170 के अधीन पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक जो स्थान उस विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या का अनुपात स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संविधान 72वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रवृत्त होने की तारीख को यथा विद्यमान संख्या का अनुपात उक्त तारीख को उस विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या से है। चार असम राज्य की विधानसभा में किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उस जिले की जनसंख्या के अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है। पांच असम के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों के निर्वाचन क्षेत्रों में उस जिले के बाहर का क्षेत्र कोई क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा। छह कोई व्यक्ति जो असम राज्य के किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है उस राज्य की विधानसभा के लिए उस जिले के किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा परंतु असम राज्य की विधानसभा के निर्वाचनों के लिए बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्र जिला में सम्मिलित निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व जो उस प्रकार अधिसूचित किया गया था और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला के गठन से पूर्व विद्यमान था बनाए रखा जाएगा। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 333 अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल को यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उनमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न होना। अनुच्छेद 334
इस भाग के पूर्वगामी बंधों में से किसी बात के होते हुए भी, क, लोकसभा में और राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संबंधी, और ख, लोकसभा में और राज्यों के विधानसभाओं में नाम निर्देशित द्वारा अंगला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे, परंतु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोकसभा में या किसी राज्य के विधानसभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक यथास्थिति उस समय विद्यमान लोकसभा या विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 335 संघ और संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्षों में या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने में निवारित नहीं करेगा।